सर वो साइड हाँ बस हम लोग घूम जा रहे बस बस भाई भाई थोड़ा सा इस ठाकुर पीछे ना अभी वो फिर सीरियस चल रहा है बस 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 लुकिया सेंटर अब ये सेंटर ये भाई हमारा मत निकाल अमीन अमीन निकाल बीटीएस में ना रहा सेंटर बना लिया बाहर तो सेंटर सेंटर हाँ हाँ चलेगा पूरे पसीने में डूबे हुए हैं यहाँ पे रुक रुक सोना सोना तेरी अख दा नजारा के अखा विच तकदा रवा कॉपीराइट आ जाएगा सोना सोना तेरी अख दा नजारा के अखा विच तकदा रवा क्या बात है तेरे मुखड़े नु दिन राती पढ़दा रवा तेनु पढ़ वाली सिद्ध उत्ते अड़दा रवा दिल बैठे बैठे करदा है गल्ला तेरियां तेनु लग जाना उमरा भी यारा मेरियां सुन दिंदा नहीं हूं अख दा सितारा के अखा विच तकदा रवा तकदा रवा सुना कि नहीं सुना सुना सर सुना सुना कैसा लगा बहुत अच्छा है खूब सुनिए प्यार दीजिए और शेयर करिए अपने बच्चों वीडियो बना रहे सब अरे नहीं बना समझे बस बस यहाँ पे मुझे क्रिस्टल जी यहाँ पे यहाँ पे क्रिस्टल जी यहाँ पे मुझे देखिए क्रिस्टल जी लेफ्ट सेंटर सेंटर अरे जाओ जी मैम अंधेरा आ रहा है नोरा जी मत देखो नोरा जी आ जाओ ऊपर 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 की सिर किस पे सेमीफाइनल में हम क्या कुछ कहेंगे कल मैं ऊपर रुक जाए ना ऊपर यहां पे वहां पे रुक जाए नोरा जी और ऊपर अच्छा अच्छा नोरा जी यहां पे वेट 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 नोरा जी बैक जोर से लुक बैक नाइस पिक्चर जिसके लिए बोला गया था कट कर दी ऊपर में करते हैं ना ऊपर लाइट अच्छा नहीं ऊपर लाइट अच्छा नहीं
मैडम जी बस यही है मैडम जी यही बस बस मैडम जी बस मैम जो सेमीफिनाल है आज तो मैम सेमीफिनाल है क्या कुछ थोड़ा सा अगर बताए कंटेस्टेंटों के बारे में कंटेस्टेंट के बारे में क्या कहेंगे सेमीफिनाल है आज किस तरीके की थैंक यू सो मच मैम मैडम जी कैसे हैं आप बढ़िया मैम भैया जी वेट बड़ा लुक के बारे में डिस्क्राइब कर दीजिए मैम थोड़ा जोर से मैडम जी तो आज सेमीफिनाले हैं है ना किस तरीके की नर्वसनेस है और कितने एक्साइटेड है हर बार अपने 100% आप देती ही हैं तो आज क्या कुछ कहना चाहेंगे अदर कंटेस्टेंट की बात करो तो एक एक्ट मैंने देखा था आपका जिसमें आप पुलिस की वर्दी में अपने मिलिट्री की वर्दी में आपने जो परफॉर्मेंस दिया था काफ़ी बढ़िया था आप नर्वस भी हो गए थे काफ़ी आपकी आंखें नम हो गई थी तो क्या था मैम वो पूरा मान आज एकदम फाड़ के रख दोगे अरे रुकना लास्ट अपने फैंस के लिए एक थैंक यू मैं तो क्या तो क्या कुछ कहेंगे आज के एक्ट के बारे में कुछ थोड़ा बता देते आज वॉरियर वाला एक्ट कर रहा हूँ और इम्यूनिटी है लेकिन अब जिम्मेदारी भी है क्योंकि मेरे भी फिनाले में पहुँच गए तो देखते बहुत नर्वस हूँ पहली बार नर्वस भी हो फिर जिम्मेदारी भी है तो कितने एक्साइटेड भी होंगे एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हूँ और अब क्या हो गया ना अब हम लोग हर एपिसोड में ना दो दो तीन तीन डांस करने वाले हैं बिल्कुल तो अभी दो दो तीन तीन बैटल्स होगी तो हर हफ्ते में चार दिन में पहले जैसे सिर्फ एक एक्ट की तैयारी करनी पड़ती थी अभी दो तीन एक्ट्स की तैयारी करनी पड़ती है बहुत ज्यादा चीजें याद रखनी है मोमेंट्स है डायलॉग्स बोलने हैं सब कुछ करना है और करेंगे अच्छे से करेंगे मस्त मजा करेंगे कोई एक ऐसी जोड़ी जिससे ऐसा लग रहा है कोई एक जोड़ी ऐसी जो आपको टफ लग रही हो या आपके लिए यार मेरे लिए मेरी पार्टनर ही सबसे टफ है रोमशा उसके साथ में निभा लूं बस फाइनल्स तक तो बहुत है थैंक यू सो मच थैंक यू एक मिनट सर वो चीप डाल रहा है एक मिनट हेलो निशान सर कैसे हो आप भाई एकदम ये 90s का लुक में कुछ शायद लग रहा है ये आप जो कह रहे हैं थोड़ा ऐसे कुछ कर रहे हैं तो जनरली जितने भी हमने बहुत अलग अलग लुक किए हैं कभी वो यक्षगाना किया है पटाखा आइटम बना था जी तो अभी इस बार फिनाले के नज़दीक है तो कैसे इंटेंस कुछ कर रहे हैं इसके वजह से ऐसा सेमीफिनाले भी जिम्मेदारियाँ भी नर्वसनेस भी है कितना टफ फील कर रहे हैं कॉम्पिटिशन वैसे तो हर कॉम्पिटिशन टफ ही होता है मतलब स्पेशली जब वो एंड की तरफ जाता है तो कुछ नहीं झलक है यहाँ पर बहुत डांसिंग बहुत मेहनत है अभी दो दो एक्ट्स है तो डिफिकल्ट जाता है मुझे नहीं सबको जाता है ऐसा नहीं कि मैं कोरियोग्राफर हूँ तो मेरे लिए आसान है बिल्कुल डांसिंग इनफैक्ट मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि लोग वही बोलते हैं कि डांसर है तो इससे तो ये आ जाएगा बट ऐसा है नहीं बहुत एफर्ट्स और मेहनत लगती है बट यस कॉम्पिटिशन है वो इस कॉम्पिटिशन में मैं वर्किंग मेहनत कर रहा हूँ मैं मेरी टीम सारे मेहनत और मज़ा आ रहा है भाई वाइल्ड कार्ड हमेशा झंडे गाड़ के जाते हैं आप भी वाइल्ड कार्ड आए तो क्या कुछ कहना चाहते देखो वाइल्ड कार्ड हो या ना हो झंडे गाड़ना तो मेरा काम है हर शो में मैं आके मतलब हार्डवर्क डाल के इतना तो मेक श्योर करता हूँ कि अपने लिए बेंचमार्क सेट करूँ ताकि जब अगले किसी शो में जाऊँ उसको भी मैं पार कर सकूँ तो कोशिश हमेशा यही रहती है तो ऐसा नहीं है कि वाइल्ड कार्ड है या बिगिनिंग्स है झंडे गाड़ने तो हर जगह गाड़ना ये तो मैं सही बिल्कुल अपने फैंस के लिए क्या कहेंगे मेरे ऑडियंसेस और फैंस को एक ही चीज़ कहूँगा झलक दिखला जा फिनाले की तरफ आ रहा है अभी सेमीफिनाले है तो आपकी वोट्स आपकी सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है तो प्लीज़ प्लीज़ अगर मेरा परफॉर्मेंस पसंद आया मेरी मेहनत पसंद आए तो मुझे प्लीज़ प्लीज़ वोट करिए और फिनाले में एंटर कर दीजिए तीन पांच कर देंगे हमारे अरे तीन पांच तो मैं आके इधर सब तीन पांच कर रहा हूँ मैं बाय बाय मैम तो
जी बिल्कुल, तो आज सेमी सेमी फिनाल है आज, तो किस तरीके की नर्वस है और कितने जो भी हमेशा देखा गया रियलिटी शो में जो भी वाइल्ड कार्ड आता है अपना कितना कमाल और धमाल दिखा के जाता है, आप कितना 100% दे रहे हो? कोशिश पूरी कर रहे हैं क्योंकि हमें गलतियां करने का मौका नहीं मिला। वी हैड नो क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट फ्यू एपिसोड, तो बिल्कुल हमारी गलतियां माफ की गई, सो वी ट्राई टू डू न्यू थिंग्स एवरी एपिसोड। पीपल हैव थैंकफुली लाइक इट, मैं और विवेक पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना बेस्ट दें एंड आई होप पीपल एंजॉय इट। आज क्या कुछ परफॉर्म होने वाला है आपकी तरफ से, कौन सा वोटिंग के लिए बोला? राजा 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 यहाँ पे आजा। मैम लास्टली, मैम लास्टली अपने फैंस के लिए मैम क्या कुछ कहेंगे? थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट। हम देखते हैं इंस्टाग्राम और ट्विटर पे आपकी हम सपोर्ट करते हैं, इट्स ऑल वी नीड एंड वी नीड अ लॉट मोर ऑफ दैट, सो प्लीज कीप वाचिंग अस एंड प्लीज प्लीज वोट फॉर अस। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू अमर, थैंक यू। नीति जी आज बहुत अच्छे लग रहे हो। नीति जी कैसे आप मैम? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये सामी सामी लोग सेमीफाइनल तो क्या कुछ वापस एक नया स्टाइल करने वाली हूँ टॉलीवुड और सेमीफाइनल है, सो बस भगवान से ये ट्राई कर रही हूँ कि फाइनल्स तक पहुँच जाऊँ एंड ये एक ही पड़ाव है जो अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आई एम गोइंग टू गिव इट माय ऑल एंड बस ट्राई कर रही हूँ कि सब ठीक हो जाए। थोड़ा सा नर्वसनेस है या फिर बहुत नर्वसनेस है, लो स्कोर्स है, बट आई होप कि जनता का वोट मुझे बचा ले, सो यस। हर बार फैंस की तरह इस बार क्या कह रहे हैं आप? प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिए एंड प्लीज़ प्रे फॉर मी कि मैं फाइनल्स तक पहुँच जाऊँ और ट्रॉफी जीत जाऊँ। चलो आ जाइए प्लीज़। अभिनव सर कैसे हैं आप? सर वेट 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 रुकिए सर एक मिनट, थोड़ा ये कुछ बोल भी मत ले लो बीच में, जरा आराम से उतरने दो उनको, पहले उतर नहीं आया। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, आपका कट कर देंगे सर, डोंट वरी। सर सर एक मिनट, एक मिनट सर। अभिनव सर तो आज सेमीफिनाल है, तो क्या कहेंगे? मैम का परफॉर्मेंस देख ही रहे हैं आप, काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा यार, लोगों को दिख रहा है ग्लैमर, टैलेंट, मेहनत, मुझे ये सब दिख रहा है और साथ में दिख रहे हैं घाव, कभी मसल क्रैम्प, कभी नाखून उखड़ जाता है, ब्रूजेस, सो मैं कहूँगा उसने अपना होता है ना स्वेट एंड ब्लड बिल्कुल दोनों दिया है शो को, सो या आई वांट हर टू विन एंड शी विल विन। सर इतने सारे मैम ने परफॉर्मेंस कर चुके हैं, कोई आपका एक फेवरेट परफॉर्मेंस कुछ अगर बता दें? सभी फेवरेट है मेरे लिए, वो नॉन डांसर, आई थिंक दैट्स सभी माइंड ब्लोइंग। लास्टली मैम के फैंस के लिए या आपके फैंस के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? फैंस को यही कहना चाहूंगा यार, प्लीज सपोर्ट हो, वोट कीजिए एंड या कीप द फेथ, चिल्ड्रन। थैंक यू सर, थैंक यू सर। कट करें गाइस, लुक बढ़िया ना रुबीना जी यहां पे, वेट 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 वेट, आजा अरे पीछे ना ठाकुर आगे क्या जाता है? इतनी नर्वसनेस है जितनी डे वन में नर्वसनेस थी, हर परफॉर्मेंस में। मैं एक सेकंड में रूमी ने लिया, यहां पे बैकग्राउंड अच्छा है, आपको लग रहा था अभी अभी बोलो जी, सेमीफाइनल है, जितनी डे वन में नर्वसनेस थी आज भी उतनी नर्वसनेस है एंड जस्ट होप एंड प्रे एवरीथिंग गोस वेल। मैम तो रूमी ने मैम लुक डीकोड करेंगे वाली ब्रेक पीछे पीछे। गश्मीर सर मॉर्निंग सर, कैसे सर? बढ़िया, सभी फिलहाल नया आलू मिलता है। हाँ ये सभी फिलहाल फिलहाल का अलग है। हाँ कसम आज तो 1 लाख व्यूज है।